जाओ जाओ, तुझे अलग से समझाओ। तूफान को कैसे रोके? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। वो मौत से भी नहीं डरता। तो फिर किसकी मौत से तड़पेगा वो? उसके भाई बहन तो नहीं है, हाँ, पर कभी कभी माँ की बातें करता है। हम उसकी माँ की डिटेल्स निकाल सकते हैं। उस दिन बच गई तो? हाँ, वैसे क्या कहा था तूने? तेरा पति एक मामूली पुलिस ऑफिसर था, वो अगर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो तू तो एक औरत है, तू क्या कर सकती है? हाँ, सच कहा था, मैं एक औरत हूँ, क्या कर लूंगी, बस बच्चा पैदा कर सकती हूँ, और मैंने वही किया। करमवीर मेरा बेटा है। क्यों रे सलीम, छोटे शब्द सुरीले होते हैं ना, जैसे कहाँ है। पता है मेरा पसंदीदा शब्द कौन सा है? कैसे कैसे कैसे।
पूछ पूछता रह जाएगा करमवीर को कैसे खरीदे, करमवीर को कैसे गायब कर सकते हैं, उसे कैसे डरा सकते हैं, कैसे मरवा सकते हैं, कैसे कैसे सोच के पागल हो जाएगा, लेकिन मेरे बेटे का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मुझे इस तरह से किडनैप करके तू मेरे बेटे को डराना चाहता है? बहुत बड़ा बेवकूफ है। सच्चाई सुनना चाहेगा? अभी तक तो मैंने अपने ऊपर किए तेरे अत्याचार अपने बेटे को बताए भी नहीं है। किसी हुसैन के लिए उसने तेरा ये हाल बना रखा है और तेरा जीना हराम कर दिया है। सोच जब उसे ये पता चलेगा कि तूने ही उसके पिता का खून किया है तो वो तेरी क्या दुर्दशा करेगा। क्यों रे, यहाँ मुझे मारने के लिए लाया है तो मारना, मारता क्यों नहीं? करमवीर तुझे यूं मार डालेगा। तुझे मरते हुए यहाँ से नहीं तो आसमान से देखूंगी, बस इतना ही ना। तू खुद ही फैसला कर ले कि तुझे झटके से मरना है या तड़प तड़प के अपनी जान देनी है। अब बोल, मुझे अभी मारना है तो मारना, या चाहता है मैं घर जाऊं तो मैं चली जाती हूं। मुंह खोल, मैं रुकूं या जाऊं? बेटा जरा जाने दोगे? शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? उस रात जंगल में आपने मेरी जान बचाई थी और आज घर पर ड्रॉप कर दिया। देखिए जो कुछ भी हुआ मेरे बेटे से मत कहिएगा। मुझे इस बात का बड़ा गर्व हो रहा है कि मेरे बेटे ने एक पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी ईमानदारी से निभाई है, ना कि अपनी माँ का बदला लिया है। बहन, निक्सन की गर्लफ्रेंड का फोन है सर। दिलीप सर। प्रीति। यस सर। सर, मैंने कहा था मैं निक्सन की गर्लफ्रेंड हूँ, वो झूठ था। मैं निक्सन की नहीं, हुसैन की गर्लफ्रेंड हूँ। निक्सन के फेक पासपोर्ट पर कोई और इंडिया आया था, इसी बहरूपिया निक्सन ने बॉम्ब ब्लास्ट करवाया और इसी निक्सन ने हुसैन को भी मरवाया। तुम उस बहरूपिया निक्सन को जानती हो? नहीं सर, पर यही जानने के लिए मैं अल सलीम की गैंग में शामिल हुई हूँ। उसे मेरी सच्चाई का पता चल चुका है, वो मुझे कभी भी मरवा सकता है। नकली निक्सन कौन है, कहाँ है, उसके सारे सबूत है मेरे पास। मैं यही रुकती हूँ, आप आ जाइए। हेलो एसीपी। वो अपने ऑफिस में नहीं है, तुम जाकर सुब्रमण्यम को खत्म कर दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। खून नहीं कर सकता मैं, ये काम आईजी को सौंपिए आप। आई एम सॉरी एसीपी, 4 बजे तक का टाइम है, वरना तुम्हारा टाइम खत्म। पर हेलो सर, मैं रवि बोल रहा हूँ। तुम्हारे फोन को क्या हुआ? 4 बजे तक सुब्रमण्यम को नहीं मारा तो अल सलीम मुझे मारेगा। What? फर्ज निभाना मैंने आपसे सीखा है। बात क्या है? अब उससे बेईमानी नहीं कर सकता। हा? अगर उसका काम नहीं किया तो सलीम मुझे जरूर मारेगा, लेकिन उससे पहले मैं निक्सन के बारे में आपको सबूत देना चाहता हूँ। शहर के बाहर जो जंगल है वहाँ जल्दी आ जाइए सर। मेरी बात तो ऑटो। दिलीप सर, एसीपी निक्सन के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, मेरे पहुंचने तक उनकी हिफाजत करो। यस सर। Yeah.
तलाशी ले ली, कुछ नहीं मिला। चौंक गए एसीपी, किसका इंतजार हो रहा है? क्यों, कोई इंफॉर्मेशन देनी है? हाँ तो बोलो, क्या बताने वाले थे उसे? कि निक्सन मैं हूं? हाँ एसीपी, तुझे क्या अपनी जान प्यारी नहीं है, मौत से डर? बिल्कुल नहीं, उस करमवीर की देशभक्ति देखकर डरना भूल गया हूं। अपने फर्ज से वफादार रहने की कसम याद दिलाने के बाद अब डरना भूल गया हूं। एक औरत साड़ी पहनकर पुलिस की तरह जी रही है और पुलिस की वर्दी पहनकर मैं किसी नामर्द के जैसे। मुझे प्रताप को बहुत पहले बता देना चाहिए था कि आतंकवादी निक्सन तुम हो। डरपोक बनकर कायरों की तरह जीता रहा, यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। पुलिस, इस महान शब्द से मैंने बेईमानी की। मौत तो सबको एक दिन आनी है, पर कुछ की गिनती शहीदों में होती है। रोज जीते जी मरने से अच्छा है कि मरकर अमर हो जाऊं। दोनों को मारने के बाद वो उस तरफ भागा है। वो अचानक आया और शूट करके भागा सर। वो ऐसे भी चलो